फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 का क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिए है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ पुरन भगत। जो पुरन भगत था उसका जो असली नाम था वो क्या है वो बताना है आपको। तो उसका आंसर है, द ओरिजिनल नेम ऑफ पुरन भगत इज रुडयार्ड किपलिंग। यह है उसका असली नाम, RUDYARD रुडयार्ड की KIPLING किपलिंग। ये आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज पुरनदास। पुरनदास कौन था। पुरनदास वॉज अ हाई कास्ट ब्राह्मण, हाईली एजुकेटेड। वह एक ब्राह्मण था और क्या था वो, हाईली एजुकेटेड, मतलब वो बहुत पढ़ा लिखा था। यह आपका सेकंड आंसर। थर्ड देखते हैं, व्हाट डिड पुरनदास बिकम आफ्टर गिविंग अप पावर एंड वेल्थ। पुरन भगत मतलब उसका जो उसके पास जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई, तो वो कहाँ चला गया और क्या बन गया ये बताना है आपको। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर है, पुरनदास आफ्टर गिविंग अप पावर एंड वेल्थ बिकम अ सन्यासी। वो क्या बन गया, सन्यासी बन गया। जब वो अपनी सारी शक्तियां और धन संपत्ति सब छोड़ दी उसके बाद क्या बन गया, वो सन्यासी बन गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नेम सम ऑफ द एनिमल हु कम टू पुरन भगत। जो पुरन भगत के पास के आसपास जो दो जानवर थे उनका नाम बताना जो उनके पास आए थी। तो डियर, डियर मतलब होता है हिरण, डियर एंड लंगूर्स। द एनिमल्स कम टू पुरन भगत, डियर एंड लंगूर्स मतलब हिरण और लंगूर किसके पास आए थे, पुरन भगत के पास। यह आपका फोर्थ आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया आपका, व्हाट डिड पुरन भगत डू टू सेव द विलेजर्स। पुरन भगत ने जो गांव वाले थे उनको कैसे बचाया। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ही अर्जेड द विलेजर्स टू मूव क्विकली अक्रॉस द वैली एंड अप द नेक्स्ट हिल। उनको जल्दी से गांव से जल्दी से निकाला गया और दूसरे पहाड़ पर, जो हिल था मतलब जो दूसरा पहाड़ था उस पे ले जाया गया। ही अर्जेड द विलेजर्स टू मूव क्विकली अक्रॉस द वैली एंड अप द नेक्स्ट हिल। उनको दूसरे पहाड़ पे ले जाया गया और उनकी जान बचाई गई। ये सब किसने किया, पुरन भगत ने किया। यह आपका पांचवा क्वेश्चन का आंसर। अब आगे देखते हैं, आगे दिया आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया। फर्स्ट दिया है, पुरनदास वॉज द ब्लैंक्स ऑफ द पेनिसली स्टेट ऑफ इंडिया। सेकंड दिया है, पुरनदास वेंट टू इंग्लैंड एंड वॉज मेड अ। सब आपको बुक में आपका स्टोरी में आपका जो आंसर है वो आपको दिया है, उसमें से आपको देख के लिखना है यहाँ पे। थर्ड दिया, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको जो सही आंसर है उसमें टी लगाना है और जो गलत आंसर है उस पे एफ लिखना है। ये आपका होमवर्क है। अब देखते हैं सी, वर्ड पावर। अ सिनोनिम्स इज अ वर्ड दैट मीन्स द सेम अस अनदर वर्ड। सिनोनिम्स मतलब होता है उसी की तरह, मतलब जो होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब उसी की तरह, मतलब शब्द रहता है लेकिन वो अनदर वर्ड रहता है। उसका जो मीनिंग रहता है वो वही रहता है लेकिन उसका जो वर्ड रहता है वो अलग रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है ताकतवर, और पावरफुल, पावरफुल मतलब भी होता है ताकतवर। ब्यूटीफुल, प्रिटी, कैरी, लिफ्ट, वेकेंट, इम्पिटी, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल। ये उनके जो मीनिंग रहते हैं वो सेम रहते हैं, बस जो उनके जो वर्ड्स रहते हैं वो बस चेंज रहते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे आपको दिया है, अनस्क्लैम द वर्ड्स इन कॉलम बी
टू मेक द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड्स इन कॉलम ए. राइट देम इन द गिवन स्पेस. वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको यहाँ पे कॉलम ए में जैसे कि दिया है बिग दिया है, और कॉलम बी में आपको मतलब जो वर्ड्स हैं वो आपको आगे पीछे दे दी, उसको आपको करेक्ट करके यहाँ पे लिखना है और क्या बनाना है उसका सिनोनिम्स बनाना है. जैसे कि आपके यहाँ पे दिया है बिग, तो बिग का यहाँ पे दिया ए आर ई जी ई, तो उससे क्या बना है लार्ज. तो बिग मतलब भी बड़ा होता है और लार्ज मतलब भी बड़ा होता है. उसी प्रकार यहाँ पे दिया टीनी, टीनी मतलब भी होता है छोटा, और यहाँ पे दिए एम ए एल ए एस एल, तो इससे क्या बन जाएगा एस एम ए डबल एल स्मॉल. स्मॉल मतलब भी छोटा होता है और टीनी मतलब भी छोटा होता है. राइट, और यहाँ पे दिए ओ सी आर ई आर टी सी, तो क्या हो जाएगा राइट मतलब सही होता है और करेक्ट मतलब भी सही होता है. तो यहाँ पे करेक्ट का स्पेलिंग लिखना है. बिग एन दिया है, एंड दिया है, यहाँ पे आपको वैसे ही बना के आपको जमा के आपको लिखना है. सेकंड देखते हैं, सेकंड दिया आपको फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द क्राइट बिलो. वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको आपको क्या बनाना है वर्ड्स बना के आपको उसी का, जैसे कि ग्लैड, ग्लैड मतलब होता है खुशी, और यहाँ पे दिए हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुशी. जैसे कि यहाँ पे दिया है अप, तो अप का क्या हो जाएगा अप मतलब होता है ऊपर, तो यहाँ पे और क्या बन जाएगा हाई, हाई मतलब क्या होता है ऊपर. उसी प्रकार दिया है लीप, लीप मतलब क्या होता है कूदना. तो इसी प्रकार और हमें वर्ड्स बनाने हैं, तो क्या हो सकता है जंप, जंप मतलब भी क्या होता है कूदना. इसी प्रकार आपको परमिट का बनाना है और रूल्स का बनाना है, ये आपका होमवर्क है. फिर दिया आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको ब्रैकेट्स में दिए हैं उसको आपके जो सही है उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है. फर्स्ट दिया द टीचर ब्लैंक अस, सिंग कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, ये आपको जो सही होगा उस पर आपको बताना है. द चिल्ड्रन ब्लैंक इन द पार्क, टॉल कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, रीड करने, आपको आपको फिलअप करना है. इसी प्रकार और दिए हुए आपको यहाँ पे आपको फिलअप करके दिखाना है, आपका होमवर्क है. थैंक यू.